Assalamualaikum, वेलकम बैक टू माई चैनल अमाई नदीम लाइफ स्टाइल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे। आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत 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 अच्छी हूँ गाइस। लेकर आ गई हूँ आपके साथ शेयर करने के लिए मीशो रैंडम फाइंड्स हॉल। बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैंने इस बार मंगवाए हैं आपके लिए, बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट्स होने वाला है और बहुत ही क्यूट क्यूट सभी प्रोडक्ट्स होने वाला है गाइस। बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा भी हो सकता है, तो हो सकता है मैं बीच में कट करके पार्ट वन पार्ट टू भी बना दूँ, और कोशिश करूँगी कि मैं इसी में कवर अप कर लूँ। अगर नहीं हो पाया तो पार्ट टू बनेगा इसका। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट है और सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर ले सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सो देख सकते हैं, सबसे स्टार्ट करती हूँ सबसे पहला वाला इतने बड़े बॉक्स के साथ, और मैं बड़ा एक्साइटेड थी इसको देखने के बाद कि इसमें आखिर आया क्या है। और बहुत बड़ा बॉक्स में आया है, बट बहुत जिसका वेट है बहुत कम है, तो देखते क्या है, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स मंगाए थे, कुछ भी हो सकता है। और फटाफट से ओपन करते हैं। समझ में आ गया, ये मैंने स्टील रैग मंगाया है, बहुत ही कम स्पेस लेगा। एक सेकेंड, पहले बाहर तो आ जाए। हाई निकल जा। सो गाइस, 5 मिनट के मेहनत के बाद ये निकल गया है। ये मैंने स्टील रैक मंगवाया था, जो कि बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट है। आप अपने किचन के कॉर्नर साइड में आप इसको रख सकते हैं और अपना सामान इसमें रख सकते हैं, बहुत ही कम स्पेस लेगा और आपकी चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेगी। तो ये मेरा पहला प्रोडक्ट था। अब साथ साथ आपको प्राइस स्क्रीन में दिख रहा होगा, अच्छा है, आप अपने किचन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और भी कहीं पर ऑर्गेनाइज, वॉशरूम वगैरह में भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, बट ये किचन के लिए परफेक्ट है। तो ये है मेरा पहला प्रोडक्ट। अब इसको फटाफट से रख देते हैं, क्योंकि 5 मिनट लगे मेरे को इसको निकालने में, अभी मुझे इसको रखना नहीं है। तो फटफट से ओपन कर लेते हैं ये सेकेंड प्रोडक्ट, साथ साथ मैं ओपन भी कर रही हूँ। कुछ चीज़ों को मैंने पहले से ओपन करके रखा है, जो चीज़ें आज आई है तो मैंने तो उसको ओपन नहीं कर पाई थी। तो फटाफट से ओपन कर लेते हैं। छोटू सा आया है, आई डोंट नो क्या है इसमें, फट से पहले ओपन करते हैं। हाँ जी, ये ओपन हो गया है, अब मुझे पता भी चल गया ये क्या आया है। ये इतने सारे मैंने शॉर्पनर्स वगैरह मंगाए हैं गिफ्ट करने के लिए। मेरे नीस का बर्थडे आ रहा है, तो उसको मुझे गिफ्ट करना है एक हैम्पर बना के। तो ये मैंने आइसक्रीम शेप देख सकते हो आप, इसमें इरेजर है, इसमें डोनट शेप इरेजर है, इसमें भी आइसक्रीम शेप इरेजर है। ये आइसक्रीम नहीं था, आई थिंक ये लॉलीपॉप शेप इरेजर है, ये आइसक्रीम शेप इरेजर है, और ये वाला भी आइसक्रीम शेप इरेजर। ये मैंने 4 पीस मंगवाया है, इसमें से कुछ मैं फेरिया को दूंगी जो मेरी नीस है, इसमें से कुछ मैं अमायरा को दूंगी जो मेरी बेटी है। हाँ, तो ये है 4 पीस, जो कि अच्छा अफोर्डेबल एक हैम्पर बना के किसी बर्थडे में आप यूज़ कर सकते हैं, बर्थडे में रिटर्न गिफ्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा है, अच्छा लग रहा था मुझे, तो मैंने ये ले लिया। तो ये है मेरा सेकेंड प्रोडक्ट, फटाफट से मैं अब ओपन करती हूँ। सो फ्रेंड्स, ओपन करते ये तीसरा मैंने फटाफट से ओपन कर लिया है। ये मैंने मंगाया है, इसको क्या बोलते हैं, मैं भूल भी गई, बेबी सेफ्टी कैबिनेट लॉक। हाँ, तो ये बेबी सेफ्टी कैबिनेट लॉक है। अगर कैबिनेट में जैसे कहीं पर का लॉक आपको ख़राब हो गया है तो भी लगा सकते हैं, और अपने बेबी, छोटा छोटा बेबी है, वो आपका डोर ओपन, अलमीरा का डोर ओपन कर लेता है और वार्डरोब का डोर ओपन कर लेता है, तो उसके लिए ये बेस्ट है, क्योंकि बेबी ये नहीं ओपन कर पाएगा। ऐसे मुझे 1, 2, 3, 4, 4 पीस मिले हैं। मैं एक पीस आपको ओपन करके दिखाती हूँ कि आपको ये कैसे लगाना है। तो गाइस, इसको ओपन इस तरीके से करना है, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे, इसको ऐसे प्रेस करेंगे ये ओपन हो जाएगा, ये जैसे लगा रहता है लगा रहेगा, तो इस तरीके से ये प्रेस होता है। मैं एक बार और दिखा देती हूँ, तो ये एरिया है, आपने इस तरीके से उसको चिपका दिया, ये ऐसे निकल जाएगा। तो ये तो एडेसिव है, ये भी चिपका रहेगा, ये भी चिपका रहेगा, तो ये ऐसे निकल जाएगा और बेबी ये नहीं निकल पाएगा और ये ऐसे फिक्स्ड हो जाएगा। तो ऐसे मुझे 4 पेयर मिले हैं। बेबी लोग अब तो ओपन नहीं कर पाएंगे, और ज़्यादा स्मार्ट बेबी हुए तो इंशाल्लाह वो भी ओपन कर लेंगे, बट हाँ ये सही है। अगर आपका लॉक वगैरह भी कहीं पर ख़राब हो गया है और काम नहीं कर रहा, तो ये भी लगा के आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट है, रैंडम फाइंड्स में बहुत ही प्यारा है और बहुत कम प्राइस में मिला है, यूज़फुल है। तो ये है मेरा तीसरा। अब फटाफट से ओपन करते हैं फोर्थ प्रोडक्ट। ये इस तरीके से फटे हाल में आया था, तो मैंने इसको देख के मैं डर गई, अरे यार ये किस हाल में आया है, क्या होगा, कैसा होगा, बट हाँ प्रोडक्ट जो आया है वो सही है। ये मैंने हैंगर मंगवाया है, ये
इसे बोलते हैं, इसमें अगर लिखा होगा तो मैं बता दूंगी, हैंगर विथ ट्यूब। हाँ, ये जो है डोर के पीछे आपको ड्रिल नहीं करना पड़ता, आपको बस जस्ट ऐसे करके आपको उसको लटका देना है, ड्रिल वगैरह नहीं करना पड़ेगा कहीं भी डोर के पीछे। अगर आपको पतला वॉल है उसमें इस तरीके से आपको लगाना है तो वैसे लगा सकते हैं, बट यहाँ पे कोई होल उल नहीं है, आप इसको ड्रिल कर नहीं कर सकते, बट इसको आई थिंक डोर के पीछे ही लगाने का। डोर के पीछे आप लगा लिया और यहाँ पे अपने कपड़े कर लिए। तो जो स्टील है, रैक है, बहुत ही हार्ड है, ऐसा नहीं कि सॉफ्ट है, कपड़े लटकाने से डालने से आपका कपड़ा ये मुड़ जाएगा, तो ऐसा नहीं है, ये बड़ा हार्ड है और यूज़फुल प्रोडक्ट है गाइस, अच्छा है, आपको डोर पे ड्रिल भी नहीं करना पड़ेगा और आपका काम भी बन जाएगा। तो मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है, तो मुझे दिखी, और भी अवेलेबल्स है डिज़ाइन वगैरह में, मुझे सिंपल सा चाहिए था तो मैंने ये ले लिया। प्राइस आपको शो ही कर ही रहा होगा, तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर। इसको रख देखते, देख सकते हैं पार्सल किस तरीके से आया था, तो मुझे तो लगा था गया, बट नहीं, कोई नहीं, कभी कभी अंदर में अच्छा आ जाता है। अब ओपन करते हैं, मैंने फिफ्थ आई थिंक फो फिफ्थ प्रोडक्ट, तो ये है मेरा फिफ्थ प्रोडक्ट, मैंने इसको भी ओपन करके रखा है। ये मैंने हैंकी मंगवाया है, ये सेट ऑफ टूल था, ऑलरेडी मैंने इससे दो पीस निकाल लिया है, तो दो पीस कम है, पर्पल कलर का इस कलर का कम होगा, तो सेट ऑफ टूल मैंने मंगवाया था, क्योंकि हैंकी बहुत ज़्यादा गुम जाता है, बच्चों का स्कूल लेकर हमारा जाती है, बहुत ज़्यादा स्कूल में छोड़ देती है, तो मैंने इसको मंगवा के रखा कि अगर गुम जाएगा तो मैं इसे एक 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 करके ले लूँगी। तो बहुत ही अच्छा सॉफ्ट सा मटेरियल है इसका, और जितना प्राइस था उसके हिसाब से सही है, सॉफ्ट सा मटेरियल है, इस तरीके से छोटू सा फेस हैंड टॉवल है, और यहाँ पर छोटू सा रोज़ बना हुआ है, रोज़ प्रिंट किया हुआ है, आई डोंट थिंक सो कि ये धुलने के बाद निकले, क्योंकि मैंने ऑलरेडी दो पीस निकाला है, इसको मैंने वॉश किया है, तो इसका कपड़े का क्वालिटी भी ख़राब नहीं हुआ है और फ्लावर का भी क्वालिटी ख़राब नहीं हुआ है, तो ये अच्छा है। कम प्राइस में आप अपने बच्चों के लिए ये बहुत सारे मंगा सकते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स ख़राब ये घूमता ही है, जितना भी कोशिश कर लो इसको संभाल के रखने का, ये घूमता ही है। तो ये मैंने 12 सेट ऑफ था, हर कलर में, इसका 2 कलर्स था, अभी 1 कलर है, ये ब्राउन कलर में 2 पीस है मेरे पास, तो ये हो गया 3 3, मैंने 2 पहले दिखाया जो कि मैंने बोल दिया आपको कि ऑलरेडी मैंने निकाला है, तो 2 2 4, ये रहा एक पांचवा, मतलब फिफ्थ, ये रहा 6, ये रहा 7, मतलब इसका ही एक कलर और निकाला है, तो 7, ये रहा 8, ये रहा 9, 10 11, और इसका जो सेट एक ग्रीन का एक, तो टोटल 12 पीस था, और बहुत ही अफोर्डेबल है, बहुत ही प्यारा सा है, क्यूट सा है, और घूमने का अब डर नहीं, अगर घूम भी गया तो कोई नहीं, घर पे बहुत सारे हैं। तो ये मेरा फिफ्थ रैंडम फाइंड था, प्यारा सा है, यूज़फुल है, प्राइस भी बहुत कम है, तो आप भी इसको ले सकते हो। ये एक और प्रोडक्ट है, ये मेरा 6th प्रोडक्ट होने वाला है, और मैं फटाफट दिखा रही हूँ इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा मुझे वीडियो नहीं करना है, और जल्द से जल्द मैं सोच रही हूँ सारा इसी में कैप्चर कर लूँ। तो ये रहा मेरा 6th प्रोडक्ट, इसमें मैंने मंगाया है एक ब्यूटीफुल सा ये सैंड आर्ट का शोपीस, देख सकते हो, बहुत ही प्यारा सा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसको क्या बोलते हैं, क्विक सैंड आर्ट पेंटिंग मूविंग एंड आर्ट, इसको ये बोलते हैं। इसके साथ मुझे एक वाउचर कार्ड भी मिला है, आई थिंक सो मैं इसको यूज़ करने की कोशिश करूँगी, और ये बहुत ही अच्छे पैकेजिंग में आया था, एकदम सेफली ये आया है, और ये देख सकते हैं एकदम सेफली ये आया है, ये रहा, आप देखते हो, आपको पास से मैं दिखाती हूँ, देखिए आप, इतना अच्छा है ये, इस तरीके से सैंड आर्ट है, इसके साथ मुझे ये दिया गया है इसमें ऐसे हुक करने को, तो ये इस तरीके से लगेगा, देख सकते हैं आप, ये गिरता रहेगा, बहुत ही प्यारा सा है, मुझे सैंड आर्ट बहुत पसंद था, मैं जब दुबई गई थी तो मैंने सोचा था मैं बनाऊंगी, बट मैं बनवा नहीं पाई थी, बट हाँ ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और भी कलर्स में अवेलेबल है, और कोड आपको, कोड या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अगर आपको ये लेना है गिफ्टिंग पर्पज़ के लिए, अगर किसी एनिवर्सरी है, बर्थडे है, गिफ्टिंग पर्पज़ के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ एक नीडल दिया गया है, इसमें दिया गया है नीडल किस चीज़ के यूज़ के लिए है, यहाँ पर आई थिंक यहाँ पर एक होल दिया गया है, इसमें एयर देने के लिए यहाँ पर एक होल है, जब अभी जिस टाइम में ये आता है, जैसे ये बबलिंग हो रहा है ना, कभी कभी ये एयर नहीं जाता है, तो इसके लिए ये एक नीडल जैसा दिया गया है, इसमें ऐसे प्रेस करने से ये पूरा वापस से जैसे, मतलब ऐसे डाउन हो रहा है, तो ये होता रहेगा, ऐसा कुछ है, मैंने तो अभी यूज़ नहीं किया क्योंकि
इस तरीके से अभी हो ही रहा है नीचे, आस्ते आस्ते आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा सा लग रहा है गाइस। साथ में मेरा रिंग लाइट का भी आ रहा है, तो इस तरीके से है देखिए, ऐसे ये गिरता रह रहा है, बहुत क्यूट सा, मुझे अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। पैकेजिंग भी आप देख सकते हो बहुत सेफली आया है। कैसे यूज़ करना है ये नीडल, तो इसके साथ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, तो आप साथ में कैसे यूज़ कीजिएगा ये आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है, तो आप इसको देख सकते हो। तो अब बात करते हैं मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट ओपन करते हैं, मैं नंबर ही भूल गई कि मैंने कितना नंबर दिखाया था, बट कोई नहीं, नेक्स्ट ओपन करते हैं। मैंने ओपन कर लिया है, ये मैंने किचन के लिए मंगाया, अपना किचन के लिए मंगाया है, वहाँ पे लगाने के लिए। ब्यूटीफुल सा डेकोरेशन पीस है और इसमें लिखा है बेक विथ लव, इसमें लिखा है माई किचन माई रूल्स, इसमें लिखा है लेट्स कुक, और इसमें लिखा है जस्ट रोल विथ इट। ये मैं इसके वॉल में लगाऊंगी, मुझे ऐसा लगा था कि ये ऑलरेडी इसमें कुछ ऐसा स्टिक का दिया होगा, इसमें ऐसे मैं स्टिक कर लूंगी, बट हाँ इसमें स्टिक नहीं दिया गया है, तो इसके लिए मैंने कुछ और भी चीज़ें मंगाई है जिससे ये होल्ड हो सके वॉल पे और वॉल डेकोर हो पाए। तो इस तरीके से है ये फोर पीस, मुझे बस यही लगा था कि नहीं साथ में इसके एडेसिव पीछे में जो होता है डबल साइडेड टेप जो होता है वो लगा होगा, तो इजली मैं अपने किचन के वॉल पे लगा लूँगी, बट नहीं था। और कोई नहीं, मैं इसको अब मंगा लिया है तो मैं लगा लूँगी इसके, अभी मैंने कुछ दिमाग लगा लिया कि इसको कैसे लगाते हैं। तो ये मेरा प्रोडक्ट था ब्यूटीफुल सा, आप किचन में अपने डेकोरेट कर सकते हैं ऐसे ही, और भी तरीके का लिखा हुआ आपको था, ये ऐसा चॉपिंग बोर्ड होता है ना उस टाइप का शेप में है ये, अच्छा है, ब्यूटीफुल सा है, शाइनिंग सा है, अपने आपके किचन को अच्छा सा एक लुक दे देगा और अच्छा लगेगा, तो मैंने मंगा लिया। फटाफट से अब नेक्स्ट को ओपन कर लेते हैं, नेक्स्ट प्रोडक्ट को ओपन कर लेते हैं, कभी कभी मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ बोलते बोलते, कोई नहीं फटाफट से ओपन करते हैं। ये आई डोंट नो कितना नंबर प्रोडक्ट है, बट हाँ जो भी है ये है फेक नेल, इसको मैंने ऑलरेडी यूज़ किया है, एक दो दिन में ही मैंने पहले इसको यूज़ कर लिया था, साथ में मैं दिखा दूंगी कि मैंने इसको कैसे लगाया था और क्या कितना खूबसूरत लग रहा था नेल्स लगाने के बाद, मैंने क्लिप लिया था। ये फेक नेल्स है, 24 पीस टोटल इसमें था फेक नेल्स में, साथ में आपको ये देख सकते हैं ब्यूटीफुल सा नेल शेप है, साथ में मैं फ़ोटोज़ आपको दिखा दूंगी, एक बार मैं ओपन कर लूँ वरना गिर जाएगा, बहुत छोटू छोटू सा है। साथ में एक फाइलर दिया गया है और 24 सेट्स ऑफ नेल्स है, नेल्स का मैं पिक्स आपको साथ में लगा दे रही हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो ये इस तरीके का छोटू छोटू सा नेल्स है और आपके अपने साइज के हिसाब से आप देख सकते हैं, इसमें अच्छा सा फ्रेंच जो मैनिक्योर होता है, फ्रेंच मैनिक्योर टाइप का है सारा किया हुआ इसमें, और आपको एकदम मतलब लग रहा था कि रियल नेल्स है, बहुत ही प्यारा लग रहा था लगने के बाद। साथ में आपको एक ये ग्लू भी दिया गया है और साथ में ये स्टिक भी दिया गया है, बहुत ही अच्छा है, मैंने इसके साथ इसको यूज़ किया था, ये 3 दिन तक लगा रहा मेरे नेल पे, मैंने इसको यूज़ किया था 3 दिन तक, मैंने पानी वॉश भी किया, मैंने हैंड वॉश भी किया, बर्तन भी धोए, मगर निकला नहीं, मैंने ज़बरदस्ती निकाला है तब जाके ये नेल निकला है। तो आप इसको आँख बंद करके यूज़ करें, ये वाला मैं अभी तक मैंने ये ग्लू मैंने यूज़ नहीं किया, मैंने ये स्टिक यूज़ किया था, आई डोंट नो इसको क्या बोलते हैं, मैंने इसको यूज़ किया था, ये ऐसा टेप रहता है, इसको ऐसे निकालते हैं तो इसमें प्रेस ऑन नेल्स इसको बोलते हैं आई थिंक, ये इस तरीके का ऐसे उखाड़ते हैं, ऐसे ये ऐसे करके अपने नेल पे लगाते हैं और इसको फिर उसके बाद नेल चिपका देते, बहुत ही अच्छा है। और भी बहुत सारे डिज़ाइंस में अवेलेबल थे, मुझे ये वाला चाहिए था, बहुत अच्छा है गाइस। अगर आपको फेक नेल्स करवाने हैं उसके बहुत ज़्यादा प्राइजेज होते, 2000-3000 होते, उसके बाद उसको अगर आप निकालने जाओ उसके लिए भी बहुत सारे प्राइजेज होते हैं, तो इसको आप यूज़ कर सकते हो बेफिक्र हो के, 2-3 दिन 4 दिन तक तो निकलने वाला नहीं जब तक आप खुद ना निकालें, तो आप डेफिनेटली इसको आप ट्राई करो, बहुत अच्छा है गाइस। और आपको पिक्चर्स दिखा होगा कि मैंने लगाने के बाद कैसा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था गाइस, आप इसको ले सकते हो। सो गाइस वो जो मैंने आपको नेल दिखाया था वो उसमें 24 पीसेस थे, उसमें दो लोग यूज़ कर सकते हैं गाइस, तो आप प्लीज़ उसको ले लेना अगर आप लेना चाहते होगे तो। अब मैं ओपन करती हूँ नेक्स्ट प्रोडक्ट को, तो फटाफट से ओपन करते हैं।
सो गाइज अभी बैक टू बैक आपको मीशो हॉल्स मेरे वीडियोस मेरे चैनल पे दिखेगा। पहले तो इसको मैं ओपन करती हूँ। ये मैंने क्यूट सा बैग मंगाया है, जैसे कि मैंने बताया कि मेरी नीस का बर्थडे है, मैंने सोचा कुछ उसको हैम्पर बना के दूँ, और ये वीडियो भी देख लेगी तो उसको पता चल जाएगा मैंने क्या क्या मंगाया है। तो ये मैंने क्यूट सा रैबिट बैग मंगाया है, देख सकते हैं इतना क्यूट सा ये रैबिट बैग मंगाया है मैंने। ये डिंग डंग क्यूट सा रैबिट बैग मंगाया है, साथ में छोटू सा हैंड है इसका, और यहाँ पे दो लेग भी है, बहुत सॉफ्ट है और बच्चों के लिए बहुत ही प्यारा है। साथ में अंदर में देखते हैं एक चेन दिया गया है जिसके, अरे वाह, एक चेन भी दिया गया है हैंगिंग के लिए। तो मैं फटाफट से एक बार हैंग करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर हैंग करने का है दिया हुआ ऑलरेडी, तो इस तरीके से ये हैंग हो जाएगा। हाँ जी, बहुत अच्छा है गाइस, बच्चों के लिए बहुत प्यारा सा, अगर आप कुछ ऐसा गिफ्ट देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। मैंने इसमें और भी कलर्स अवेलेबल थे, ब्राउन था और एक ग्रे कलर था, अरे ये वाइट कलर, तो ये इस तरीके से हैंग हो जाता है फ्रेंड्स, देख सकते हो, और आप इसको ले सकते हो। बहुत ही ब्यूटीफुल सा है, बर्थडे गिफ्ट्स के लिए बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा गाइस ये वाला, क्यूट सा है, हेलो हेलो हेलो, सो क्यूट, प्यारा सा है गाइस, बहुत अच्छा है, और देख सकते हो इसको छोटू सा आईज बना है, छोटू सा नोज बना है यहाँ पिंक कलर का, यहाँ पे साथ में यहाँ पर हैंड में इसके फिंगर का एक शेप देने के लिए गोल्डन थ्रेड दिया गया है, बहुत ही प्यारा है, क्यूट सा, हेलो हेलो, तो बहुत अच्छा है गाइस, आप भी अपने बच्चों के लिए ले सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने ले लिया, और मुझे यही कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा था तो मैंने यही वाला लिया। आप चलिए नेक्स्ट ओपन करते हैं फटाफट से। ये है, आई थिंक ये मेरा लास्ट होने वाला, अब मैं इसको ओपन, और भी पार्ट बहुत ज़्यादा है अभी बाकी, मैं और ओपन नहीं करूँगी, ये मेरा लास्ट होने वाला है, इसके बाद आप पार्ट टू में ही देखना क्या आएगा। तो फटाफट से ओपन करते हैं इसको। हाँ जी, ज्यादातर मैंने जो भी चीजें अभी मैंने मंगाया है रैंडम फाइंड्स में, मैं अकॉर्डिंग टू, मैंने जैसे बताया कि मेरे नीज का बर्थडे है, मैंने उसको सोच के मंगाया, बिकॉज मुझे बर्थडे में कुछ देना था और मैं कुछ हैम्पर्स बना के देने वाली थी, तो मैंने सोचा 4-5 चीजें मंगा लेती हूँ, उसको अच्छे से एक हैम्पर बना के दे दूंगी तो बहुत खुश हो जाएगी। तो इसको फटाफट से ओपन करते हैं, बड़ा हार्ड पैकेजिंग से, हाँ फाइनली ओपन हो गया। ओहो, ये मैंने एक हार्ट शेप में इयररिंग सेट है, एयर स्टर्स जो होता है वो पूरा सेट है इसमें, एयर स्टर्स है इसमें, देख सकते हो ये क्यूट सा, बहुत सारा पीसेस है इसमें, मैंने इसको तो फाड़ दिया, आई डोंट नो कितने सारे थे इसमें, मैं इसका पिक्चर्स डाल दूंगी यहाँ पर अगर कोई लेना चाहते तो। वाह, देख सकते हैं सारा ब्यूटीफुल सा इयररिंग का, आप देख सकते हो हर एक कलर में है और एक अलग अलग डिजाइन में, ट्रायंगल शेप, मून शेप, हार्ट शेप, और एप्पल, फ्लावर, स्ट्रॉबेरी, बहुत सारे हैं, मैं एक बार करीब से दिखाती हूँ, देख सकते हैं इस तरीके से पूरे शेप में है उसका ईयर के लिए, क्योंकि वो अपना एक गोल्ड का घुमा चुकी है, तो मैंने सोचा इस तरीके से मैं कुछ दे दूंगी तो हमेशा चेंज करती रहेगी, अगर घूम भी गया तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। साथ में इसके पीछे का हुक भी दिया गया है, टोटल 36 पेयर ऑफ सेट्स है इयररिंग के, इयररिंग सर्च के, बहुत ही प्यारा सा है फ्रेंड्स, आप अपने बच्चों को गिफ्ट दे सकते हो, बहुत अच्छा है, आप प्लीज़ 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 एक बार इसको ज़रूर मंगाना। सो फ्रेंड्स का प्राइस भी बहुत कम था, मैंने बोला नहीं मैं ले लेती हूँ, और बहुत अच्छा लग रहा है गाइस। सो यही था मेरा लास्ट आज का मीशो रैंडम फाइंड हॉल, आपको बताना आपको कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लगा है, और भी पार्ट टू आने वाले क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स है गाइस, एक पार्ट में मैं कवर अप नहीं कर पाऊंगी, तो जल्द ही इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। और वीडियो पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल विच इज़ रमा एंड नदीम लाइफ स्टाइल, टिल देन दुआ में याद रखना, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। जितना भी लिंक होगा और इंस्टा भी आईडी में लिंक होगा, जो भी होगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, याद से डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना बिल्कुल नहीं भूले, और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज।